शूटिंग कितने बंदे कर रहे हो? मैं डॉक्टर साहब रिएक्शन दियो यार, पंडाल खाली है बंदे भेज रहे हैं। देख लो सारे काम छट गए, बंदा चिपकली ते लगे हुए है। ले कितनी है चिपकली? ओए चिपकली है, चिपकली चिपकली है यार, अगे नहीं जा रही मारो जी। Hello everyone, guys, so this is your Vedadru Bansal and I am a first year BA student at GAC Patiala and thank you so much for clicking on this video. So guys, welcome to my new vlog. आज का ये जो vlog है वो है related to Ramayan part. हमारा जो government Ayurvedic college है ना उसके अंदर रामायण पाठ होता है, हर साल होता है, ठीक है। एंड बीइंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हम जो ऐसे पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उससे पहले रामायण पाठ जो है वो हमारा कल को है एंड उससे पहले जो है हमने बॉयज मेस की सफाई करनी है क्योंकि जो है हमारा पंडाल वहीं लगेगा, वहीं सजेगा, है ना। राम जी का दरबार है जो वहीं सजेगा, तो है ना फर्स्ट ईयर जो है वो सबसे ज्यादा काम करता है इसके अंदर। लाइक काम सभी करते हैं लेकिन फर्स्ट ईयर जो है उसको एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए, है ना, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए जो है हमेशा फर्स्ट ईयर को जो है चुना जाता है। एंड लाइक हमें भी इस बार चुना गया है ना, हम फर्स्ट ईयर के तो हमें भी इस बार चुना गया एंड हमें भी आज जो है ना अराउंड 4 बजे की कॉल है, ठीक है, तो वही शाम को 4 बजे जो है हमने जाना है। लाइक अभी जो है 3:30 बज चुके हैं एंड मैं भी जा रहा हूँ बस जस्ट, एंड 4 बजे जो है वहां जाकर हमने बस 2-4 घंटे सफाई करनी है एंड देन जो है आपको है ना कल को हम आपको दिखाएंगे रामायण पाठ, पूरा दिन रामायण पाठ चलेगा, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग इज, इस बार जो है एक नई चीज ऐड की है, दैट इज संहिता अध्ययन, है ना, रामायण पाठ के अंदर संहिता अध्ययन की क्या होगा, क्योंकि हमें जो है संस्कृत के श्लोक थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट है ना सब आयुर्वेद शास्त्र के अंदर वो हमें जो है अध्ययन करवाए जाएंगे। तो गाइस चलो आपको लेकर चलते हैं हमारे बॉयज मेस के अंदर एंड चलो चले डॉक्टर साहब। रोहित तो वधिया खेड रहे हैं। देख पंखे भाई अपने भारत ने साफ किते रहे। इधर देख के ना काम कर, तू काम कर ले, मैं आप ही बना लूंगा। ले भाई तेरी सारा दिन तेरी वो वीडियो बनानी है, ठीक है। आप ये दिखाना भी राहुल ने काम किया और किसने किया नहीं किया। सही है डॉक्टर साहब, मुंह तो स्टिकर ला देने ये। यार तू सेवा करनी है जितने मर्जी हो। काम चोर बंदा है, सीधे वीडियो बना ले तेरे घर पर भी है। बोल पड़ी बोल देखो जी, सारा काम ही विनीत कर रहे हैं। ले बचा रहे हैं, देख सेट खा ली यार। बस विनीत ही काम कर रहे हैं और तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। सारा काम ही देख लो सारे काम छट गए, बंदा चिपकली ते लगे हुए है। ले कितनी है चिपकली? ओए चिपकली है, चिपकली चिपकली है यार, अगे नहीं जा रही मारो जी। राम सेवा लई बेचारे नु की कुछ करना पै रहा है। राहुल आई काम करूंगा लेके बाद जा।
பெல்லடு வந்து ஒரு வெட்டனே ராவுல கம்ம கரோ चल हौली हौली स्टार्ट नहीं होना जान दे बारे खाना रिफ्रेशमेंट नु एंजॉय करदे हुए मुंडे After in a such a hard work. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਗਾਈਸ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚਸ਼ਮੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਅਬ ਤੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਕਾਲਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਪਾਠ ਰਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਲਾਈਕ काफी जो है मजा आता है यार एक यही चीज है जो सबसे मजेदार होती है बाकी सब जो है चलता रहता है बाकी सब तो यार सारा दिन पढ़ाई करते रहते हैं सारा साल पढ़ाई करते रहते हैं एक ही दिन आता है जो मजेदार होता है तो सबसे पहले जो है हमने सारी मेस की सफाई की है और हमने वहां पर खूब पोचे पे पोचा मारा है हमने जो है वहां पर पूरी तरह सफाई की है एंड सारी क्लास में जो है फर्स्ट ईयर ने मिलकर जो है सफाई की है आपस में दोस्ती बढ़ती है और जो है प्यार बढ़ता है प्यार बढ़ता है मोहब्बत बढ़ती है ना और क्या है अपना इंटरेक्शन होती है और जो है मजे काफी आते हैं एंड यही चीजें होती हैं यार कॉलेज लाइफ में है ना तो बाकी जो है खुद सफाई की थी कल हमने देख यार सफाई तो सारे ही करते हैं करे भी करते हैं पर जेड़ा कॉलेज किसी दे नाल झाड़ू मारना एक झाड़ू वो मारे एक मैं मारा वो मजा ही अलग है ए हमने हरी भाई ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है पोचा वो मारे एक भाई पर मैं मारा ए हमने हरी भाई ने बहुत एक्सपीरियंस किया है कल जो और अब जो है हम जो है आज पंडाल दिखाएंगे आपको एंड जो है सारा दिन रामायण पाठ चलेगा सारी रात रामायण पाठ चलेगा कल जो होगा वो हमारा भोग होगा तो चलो अब देखते हैं आपको पंडाल दिखाते हैं ना ना कैमरा तो पकड़ लेंगे हमें आ जा तू रामायण पाठ कर ले पहले आखिरी मोमेंट में आगे पढ़ रहा है तू पढ़ लेना ये बंदे अदा ने लास्ट मोमेंट में भी आज पढ़ने वाले हैं और क्या राम राम पंडित जी जय श्री राम कोई आपने राम राम पंडित जी क्या हो जय हो आशीर्वाद आशीर्वाद जी जय श्री राम 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 जय श्री राम
इसका फायदा क्या होता है यार? इसका इसका फायदा इतना होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा सोच नहीं आती बांध इसको क्यों बांध रखा है? ये तो अपना उधर क्या है, क्या कहते हैं साला सर का आ गया तो हमने बांध लिया। रक्षा सूत्र बहुत रक्षा का काम करते हैं, एक कवच बंद करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। तो गाइस अब जो है हमारा संहिता अध्ययन का एक सेशन होगा, जिसके अंदर जो है हम जो है संहिता के कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं उनको जो है हम अध्ययन करेंगे, उनको जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है, उच्चारण कर देखेंगे, उनके जो हमारे सुपरमोस्ट सीनियर्स हैं उसका मतलब समझाएंगे। श्लोक है 41 नंबर श्लोक, सारे साथ में पढ़ेंगे, सभी अपनी बुक देखेंगे। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेदस उच्यते। ये आयुर्वेद की परिभाषा है, इसकी हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है आयुर्वेद। दीर्घम आयु यश स्वास्थ्यम त्रिवर्गम च अपि पुष्कलम सिद्धिम च अनुत्तमम लोके प्राप्नोति विधिना पठति। इसमें संहिता के अध्ययन का फल बताया हुआ है कि इस 120 अध्यायों वाली अग्निवेश तंत्र अर्थात जिसे हम चरक संहिता कहते हैं का जो पुरुष विधिपूर्वक अध्ययन करता है वह दीर्घायु अर्थात लंबा जीवन पाता है, सुयश प्राप्त करता है, स्वास्थ्य एवं त्रिवर्ग को पूर्ण रूप में प्राप्त करता है। त्रिवर्ग जिसे हम कहते हैं धर्म अर्थ और काम, और इसके साथ ही वह इस लोक में उत्तम सफलता को प्राप्त करता है। इसमें बस ये बताया गया है कि संहिता पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हमें त्रिवर्ग की प्राप्ति होगी और दीर्घायु की प्राप्ति होगी। माता ज्ञान रखता लेकिन चंदन के गुणों का ज्ञान नहीं रखता, उसी तरह सिर्फ शास्त्र का अध्ययन करने वाला लेकिन उसके अर्थ को ना समझने वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ ग्रंथ का भार ढो रहा है अपने दिमाग में, उसको उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो उसका यूज नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो इसमें उन्होंने बताया ये है कि सिर्फ किसी चीज को याद नहीं करना, क्रैम नहीं करना, अगर हम सिर्फ रट्टा मारेंगे तो फिर हम उस गधे के समान है चंदन ढो रहे हैं, उसको सिर्फ उसका वेट फील हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं पता कि उसका महत्व क्या है। लेकिन अगर हम उसका अर्थ अच्छे से जानेंगे, एक एक श्लोक का अर्थ समझेंगे और एक एक डिजीज के बारे में जानते हैं और एक एक शब्द का भी अर्थ पता है, तब हम उसको संहिता के अपने ज्ञान को अच्छे से यूज कर सकते हैं लाइफ में, प्रैक्टिस में, नहीं तो फिर बेकार है, अध्ययन करने का कोई फायदा है नहीं। से बोलो भगवान धन्वंतरी की जय। फर्स्ट ईयर वाले कितना ध्यान दें, अगर एग्जाम में आएगा तो प्रस्थान शेषां और सुख्यम आहार दिव्य ज्ञान यो अपूर्व पूर्व वेद्याय नमोस्तु दशमे। इसमें अष्टांग हृदय में मंगलाचरण किया है, जैसे हम कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को नमस्कार करते हैं, अपने बड़े प्रयोग क्यों करते हैं इसका प्रयोजन दिया गया है सेकंड श्लोक में, ठीक है, सब एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ आवाज आनी चाहिए, सब एक साथ पढ़ें क्योंकि अभी रिसेंट पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, ठीक है, सबको आता है। आयु हो कामिर माने का हमारा जो ग्लोब है वो चल रहा है, सुबह से हमारे यहाँ पे चल रहा है जीएससी का पाठ, रामायण पाठ जो हर साल यहाँ पे होता है। ये डॉक्टर पटेल है हमारे मेन मेंबर, वो डॉक्टर रवि इनका बैच ऑर्गेनाइज करवा रहा है हमारा, ये समोसा पार्टी चल रही है अभी, रिफ्रेशमेंट का टाइम है। Hi to all subscribers and cheers. Cheers to all subscribers from my side. बहुत स्वादिष्ट चाय है।
चल ध्रुव मार चक्कर रोक एक बार चल 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 चैनल आयुर्वेदिक टेका सारे ने सब्सक्राइब करना है ठीक है हिमांशु कमन कमन बेबी कमन बेबी चल 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 स्लो मोशन है स्लो मो चल हियर कम्स डॉक्टर चांद डॉक्टर चांद फ्रॉम फोर्थ ईयर हॉल मैनेजर डॉक्टर चांद अगली बार यही इनका चुनाव चिन्ह है हॉल मैनेजर ये तो नहीं कि साइड मोटे तले बख्शीश आपको भी रिफ्रेशमेंट दी जाएगी आपको दो किलो का तीन समोसे दिए जाएंगे साथ में एक लाची वाली चाय मुझे मिल गई है क्योंकि मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया जल्दी कीजिए के लिए करण बेचारा स्लो मोशन ही दिखाना ठीक है चल पहले अपना हैरी रह गया हैरी कितने का और ये खास बंदों के पास हम जाते हुए डॉक्टर सगू डॉक्टर सगू आपको समोसे कैसे लग रहे हैं रामू के यार मक्खी निकली देखो अब मक्खी निकली अब मक्खी निकली हाइजीन चटनी में मक्खी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए बीच में मक्खियां डाली जा रही हैं पूरा हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है यहां पे मक्खियों की चटनी खाली हो गई है ते डस्टबिन जा रही है हां देखो दिखाओ इधर बहुत ये गई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नाम दस दो आयुर्वेदिक ठेका आयुर्वेदिक ठेका और वो हमारी जो मेन लीड हेड है वो है जिसने हमारा एडिटिंग हमारी वीडियो रिकॉर्ड करती है ओए ओके मैं बोल कर जाता हूं ओके सिगा अच्छा हाय ये समोसे परोस दिए गए ले वीडियो के लिए ये पानी का नहीं है आ गया है हमारे पास इसके इसका चैनल आप ध्यान से याद रखिए इसका चैनल है अपना चैनल एक बार बोल दीजिए आयुर्वेदिक टेक का नाम है यार सारे ने सब्सक्राइब करना है आपको स्टडी लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ब्लॉग भी मिलेंगे और स्टडी मटीरियल भी आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा और हम भी चले हैं समोसे खाने आप भी समोसे खाओ ठीक है चाय पी लो काली गिलास ला लो ले चाय पी लो चाय पी लो हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो हर्ष कोई रिएक्शन दे दो कोई तू भी दे दे ना मेरा ना चैनल ही है मैं तो रोज ही दिन कोई दिक्कत नहीं मैं बहुत बढ़िया आ गया मजा आ गया राहुल भाई रिएक्शन है क्या बात है क्या ब्लॉग है क्या ब्लॉग है ब्लॉग देखो वीडियो देखो वीडियो में दहार देखो बस शेरों की दहार देखो बस 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 डॉक्टर साहब अपना रिएक्शन दीजिए हाँ जी ये पार्टी हो रही है अपनी ओए मोटे
मुझे मेरी चाय और समोसा मिल गया क्योंकि मैंने चैनल सब्सक्राइब किया, मैंने पहले भी आपको बोला अगर आप अपना समोसा चाय चाहते हैं तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। हमारे पास बहुत ही कम समोसे बच गए हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना हक पाएं जल्दी से जल्दी। सेम डॉक्टर साहब शूटिंग कितने बंदे कर रहे हो? मैं डॉक्टर साहब रिएक्शन दियो यार, पंडाल खा लिया बंदे भेज रहे चल राम राम गोपो तूने रिएक्शन नहीं दिया ना सब फटी जाने के चलो कैमरे च रोटी आंदी केड़ा केड़ा किन्ने समोसे खा रहा आयो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा वेलकम बैक गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें मेरा यूपीआई नंबर है, उसके पैसे भेजने अपने हजार हजार रुपये सभी ने अपने यहाँ पे रमान पाट में चढ़ावा चढ़ाएंगे। आप हर साथ मेरा नंबर नोट कीजिए, बोलिए जय धनवंतरी जय रुबेन जय श्री राम जय हनुमान जय लक्ष्मण जय सीता। अगर आपको रामजी समोसे लेने हैं प्रोमो कोड अगर डॉक्टर रवि प्रोमो कोड सस्ते समोसे मिलेंगे, रवि 20 प्रोमो कोड है, रवि 20 प्रोमो कोड, रामू के पास जाके आपको समोसा 10 की जगह 5 का समोसा मिलेगा। बोला गया सर डॉक्टर साहब एक बार कोड रिपीट कर देना, रवि 20 प्रोमो कोड है, रामू की रेडी में जाके 10 का समोसा आपको 5 का मिलेगा। Thank you.
से मेरी प्रार्थना है कि ताली बंद नहीं होनी चाहिए। आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो यार, है ना। तो इसलिए सेकंड डे जो है हमारा रामायण पाठ का, वो इसी यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट संडे को आएगा। सो स्टे ट्यून टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ आयुर्वेदिक ठेका। एंड अगर आपने अभी तक मेरा फ्रेशर पार्टी का व्लॉग नहीं देखा है तो क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड सी नाउ ओनली।